गाइस, तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है निश्चल। अब निश्चल भैया को आप मेरा गाइड कह लीजिए, मेंटर कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए, कलीग कह लीजिए या बड़े भैया कह लीजिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन डिज़ाइन इंजीनियर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट जिनसे आप मिलोगे। और उनको इस पॉडकास्ट में लाने का बस मेरा एक ही मकसद था कि उनके साथ बहुत सारी इंडस्ट्री इनसाइडर बातें हम करने वाले हैं और साथ में ही आपको जानने को मिलेगा अबाउट द रियलिटी ऑफ कार्ड्स, अबाउट द रियलिटी ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड कंपनीज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक पॉडकास्ट है। इसको अगर आप पूरा सुनिएगा तो आपको कार के बहुत सारी डिटेल्स के बारे में मालूम चलेगा जो शायद आमतौर पे आपको इंटरनेट पे जानने को देखने को नहीं मिलता। साथ में अगर आप एक कार बायर हैं या इवन अगर आप सिर्फ एक इंथुजियास्ट भी हैं तो ये पॉडकास्ट से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगा। इस पॉडकास्ट का थीम है सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। सो एन्जॉय। Hi Bhaiya, welcome to the podcast. Hi Hriday, thank you for inviting me to your podcast. First thing. बिल्कुल अनकट सा होने वाला है और हम इनसाइडर्स बातें करने वाले हैं और इस पॉडकास्ट का मैंने थीम रखा है बिल्ड एंड सेफ्टी। अब आप एक डिजाइन इंजीनियर हो और आप कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स पे आपने काम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जिसको मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब कंज्यूमर जाता है गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो टेस्ट ड्राइव करने के पहले थोड़ा रिसर्च करते हैं, ठीक है, एक दो गाड़ी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और जाने के बाद सबसे पहली चीज वो ये देखते हैं कि दरवाजा का साउंड क्या है, ठीक है, या इंटीरियर का देखने में कैसा है, ठीक है। और जब वो दरवाजा खोलते हैं और बंद करते हैं या बॉनेट को खोल के एक बार बंद करते हैं तो उनको एक साउंड आता है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो एक पहला एक कंसेप्शन बनाते हैं कि क्या ये गाड़ी सेफ है कि नहीं। पर बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में हाँ उनका एक कोरिलेशन है, पर उस सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी में काफी सबसेक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसमें बिल्ड क्वालिटी एक ही पार्ट है, ठीक है। जैसे कि अभी के कार जो है, अभी के जनरेशन के जो भी कार्स हैं उनमें स्टील और एल्यूमिनियम का मिक्सचर का बॉडी पूरा बनता है, ठीक है। एक आध टाइम में जब एम्बेसडर या प्रीमियम पद्मी का एग्जांपल लेते हैं तो वो पूरा आयरन का बना होता था, मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आयरन के थे, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ बिल्ड क्वालिटी या स्टिफनेस के बारे में कुछ भी बात करें, ठीक है, अगर मैं दरवाजा का साउंड से ही अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि ये गाड़ी सेफ है या नहीं, तो आपको एम्बेसडर ही सेफ लगेगा आज के जमाने के कार से, ठीक है। बट प्रैक्टिकली जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमको समझ में आएगा ही कि आज का जमाना का गाड़ी जो भी है वो एम्बेसडर से काफी सेफ है। तो कंज्यूमर को सबसे ठीक है, इंडिकेटिव के हिसाब से उनको लगता है कि हाँ ये साउंड सेफ्टी के हिसाब से इंडिकेट करेगा या ऐसे कुछ, पर वो सिर्फ एक छोटा सा कंसिडरेशन होना चाहिए, बट वो एक मेजर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर साउंड दरवाजा का साउंड ऐसे कुछ आया तो तभी गाड़ी सेफ है। तो इसके बारे में और डिटेल्स बात करेंगे जैसे हमारा पॉडकास्ट जाते रहेगा, ठीक है। अब जैसे डोर के बिल्ड क्वालिटी या डोर के थर्ड साउंड से, बट आपको ही पता ही पता है कि जब भी डेवलपमेंट टेबल पे जब डिज़ाइन इंजीनियर बैठता है तो उसको पता रहता है कि ये चीज़ जो ऑलरेडी कंज्यूमर के दिमाग में है, तो आज के डेट में डोर्स भी उसी तरीके से डेवलप किए जाते हैं कि जो भले हल्की भी हो लेकिन वो थर्ड साउंड भी दे दे। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर्टेक प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो वो एक बहुत ही लाइट वेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एफिशिएंसी के मामले में हर तरीके से वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन कंपनी क्लेम भी करती है कि वो स्ट्रॉन्ग भी है। सो वेट इज नॉट इक्वल टू स्ट्रेंथ वाला, राइट। तो ये एक्चुअली मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, ठीक है, क्योंकि मैं एएमजी के लिए काम करता हूँ, राइट। तो थोड़ा हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो एक आध टाइम में जैसे हम लोग बात कर रहे थे एम्बेसडर या 1960s 70s आई वुड से मेबी 80s और 90s तक हम लोग सिर्फ आयरन यूज करते थे, मोस्ट ऑफ द गाड़ी का कॉम्पोनेंट आयरन था, ठीक है। तो बाद में थोड़ा थोड़ा अल्यूमिनियम आना शुरू हुआ और अभी क्या हुआ कि मेजोरिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट्स अल्यूमिनियम का मिक्सचर है ना।
और अभी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि गाड़ी पूरा एल्यूमिनियम से बना है, तो अभी हम लोग का स्पेशली जब हम लोग बॉडी का डिजाइन वो सब चलता है तो उसमें हम लोग का एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सैंडविच मटेरियल करके। तो सैंडविच में क्या होता है कि वो अल्यूमिनियम का होता है, स्टील का होता है और मिक्सचर रहता है। जैसे कि हम लोग सैंडविच में ब्रेड के बीच में कुछ कुछ डालते हैं ना, तो ऐसा होता है कि कभी कभार बाहर अल्यूमिनियम रहता है बीच में स्टील रहता है, या बाहर स्टील रहता है बीच में अल्यूमिनियम रहता है, या कॉम्पोजिट फाइबर भी बोलते हैं जिसको कार्बन फाइबर भी बोलते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ सैंडविच है। तो आजकल डिजाइन में काफी फीचर्स आ चुके हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है गाड़ी को देख के ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ये अल्यूमिनियम से बना है या यू नो लोहे का बना है, ऐसा बोल नहीं सकते। तो मटेरियल का डेवलपमेंट पिछले 20-30 साल में काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ये होता है हमारा रेगुलर पैसेंजर कार्स में। ठीक है, जब हम लोग थोड़ा हाई एंड कार्स के लिए जाते हैं तो उसमें आजकल ही नहीं, कम से कम 10 साल पहले से ही हम लोग मैग्नीशियम यूज करना शुरू किया। तो मैग्नीशियम क्या होता है कि वो एल्यूमिनियम से काफी हल्का है, ठीक है, पर उसको ठीक तरह से डिजाइन करेंगे तो उसका वो एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ के साथ हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो मतलब मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये हल्का है ये भारी ऐसे है, पर ऐसे नहीं, उसमें काफी डिजाइन का काम होना पड़ता है, स्पेशली बहुत बहुत काम करना पड़ता है स्पेशली मैग्नीशियम में। पर अगर ठीक तरह से डिजाइन किए तो मैग्नीशियम भी हम लोग अल्यूमिनियम को हम लोग मैग्नीशियम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि अगर अगर हम लोग मारुति 800 अगर 1980 से उठाए, मैं बस एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो होगा से 1000 किलो या 1100 किलो होगा। ठीक है, अगर वही हम लोग अगर अल्यूमिनियम से बनाए तो वो होगा से 900 किलो या 800 किलो। अगर वही गाड़ी अगर हम लोग पूरा मैग्नीशियम में बनाते हैं तो वो होता है 600 या 700 किलो। ठीक है, पर ये समझ में लोगों को समझ में आना चाहिए कि जैसे तुम बोल रहे थे कि वेट ही सेफ्टी से इक्वल नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना डिजाइन के फीचर्स एक आध टाइम में हाथ से ड्रॉइंग बनाते थे, पर अभी हमारा कंप्यूटर एडिट सिमुलेशन आ गया है, तो हम लोग इतना सिमुलेशन करते हैं कि वी मेक श्योर दैट इट मीट्स ऑल द गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशंस। तो बिना उसके किए हम लोग कभी कार को हम लोग टेस्टिंग या प्रोडक्शन तक भी भेजते नहीं है।